उनका जो पहले का प्लानिंग है, उन्होंने उसके पहले एक कमेटी स्थापन करी थी, माइक नहीं होना, और कमेटी ने रिकमेंड किया कि पीडीएस खत्म करो और कॉरपोरेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने दो। और कॉरपोरेट सेक्टर क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, तो कॉरपोरेट सेक्टर को रिटर्न की गारंटी दो, इसलिए वो कोर्ट से ये कानून बाहर निकाले थे। और कोर्ट से बाहर निकालने का मकसद यही था। अभी एफसीआई की परिस्थिति ऐसी है कि एफसीआई के गोडाउन मोदी आने के बाद नए गोडाउन बनाए नहीं। हर साल पिछली सरकार गोडाउन बनाती थी, हर साल एक कम से कम 25 मेट्रिक लाख टन का स्टोर होने का गोडाउन बनाती थी पहले सरकार। मोदी आने के बाद 10 साल में, अभी 6-7, 2014 से 2020 तक मोदी ने सिर्फ 35 लाख मेट्रिक टन का स्टोरेज का इंतजाम किया है, बाकी सब गोडाउन अदानी ने बनाए। अदानी के गोडाउन, प्राइवेट गोडाउन 2012 में 243 थे, 243, तो आज वो 500 मेट्रिक टन स्टोर करने की उनकी कैपेसिटी है। तो क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, और आज अदानी को गोडाउन में धान रखने के 700 करोड़ रुपए किराया मिलता है, उसमें से वो अदानी हर सेल गोडाउन बना रहा है। तो मकसद साफ था कि ये सब कॉरपोरेट सेक्टर को देना था। ये जो स्टोरेज का लिमिट उठाया है, वो इसीलिए उठाया है कि कोई कितना भी स्टोर करे और कोई कहाँ भी बेचे और कहाँ भी खरीद करे। तो हमारे देश के 90% किसान, 86% तो किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, 1 हेक्टेयर से कम। तो वो चाहता है किसान कि मेरी जो फसल आई है खेत में किसी ने परचेस करी तो अच्छा है, वो घर लेने जाने की भी उसकी परिस्थिति नहीं होती है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे इस साल भी हर साल क्रॉप आता है, बारिश आती है बह जाता है। इस साल हमारा सोयाबीन का 200-250 क्विंटल बह गया, गेहूँ कैसा क्या निकाला वो भी, हमारा एक आश्रम चला रहे हम तो इसके लिए वो गेहूँ की जरूरत थी वो निकाला, लेकिन ऐसा होता है किसान के हाथ में कुछ नहीं। और ये जो फिर किसान कहीं भी बेचे तो कहीं भी कहाँ बेचेगा, 86% किसान जिसको अपने खेत में ही बेचने की ज़रूरत है, बेटी की शादी है, कोई बीमार है, बच्चे की पढ़ाई है, वो तो अभी पढ़ाई तो ख़त्म हो गई इनडायरेक्ट मार्ग से, जो हमें ब्राह्मणवादियों ने कभी पढ़ने नहीं दिया, अभी वो फिर से आया है। अभी अभी एक 50 साल हम पढ़े कुछ, हम इसलिए तो हम वो मार रहे, हम पढ़े ना उसी कंसेशन के तहत हम पढ़े थे। तो आज ये जो किसानों के लिए जो जितने रईस किसान हैं, अभी ये क्या कर रहे हैं कि गरीब किसान और रईस किसान के विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी को आपके माध्यम से विनती करता हूँ, ये किसान का आंदोलन, ये किसान का आंदोलन किसानी के लिए बचाने के लिए नहीं, तो हम सब जो अनाज खाते हैं उन सबको बचाने के लिए आंदोलन है। क्योंकि गोडाउन में जाएगा सब हमारा धान तो अदानी अंबानी क्या आपकी सेवा करेगा या मुनाफा कमाएगा? और प्रदेश में गेहूँ 1200 रुपये से 3000 किलो तक है प्रदेश में, अदानी के पास तो सब है, बंदरगाह है, ट्रेन है, एयरपोर्ट भी है। यदि वो चाहता है कि अपने गोडाउन का धान वो प्रदेश भेजे तो उसको कौन रोकता है? तो ये सब जो हो रहा है, ये सब कॉरपोरेट सेक्टर को खेती तो देनी है, लेकिन संघ का जो आइडियोलॉजी है कि हम सब का विकास यानी 2 जून की रोटी, पढ़ो गोलवलकर, पढ़ो सावरकर, पढ़ो तिलक भी पढ़ो, वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ 2 जून की रोटी, यही तुम्हारा विकास। किसान अलायंस मोर्चा में सैकड़ों जन आंदोलन और सामाजिक संगठन संस्थाएं शामिल होते हुए आज इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं, और जस्टिस कोलसे पाटिल जी के साथ 16 तारीख को यानी परसों के रोज जो हज़ारों मुंबई के लोग किसान आंदोलन के समर्थन में रास्ते पर उतरने वाले हैं, उनकी क्या है मांग, उनका क्या है कहना, इस पर आज पत्रकार परिषद हो रही है।
आप जानते ही हैं कि किसान आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डर पर ही नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अखिल भारतीय स्तर का और एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया है। उसका डेरा पड़ा है जगह जगह पर 50 दिनों से। अभी कल तक सिंघू बॉर्डर में रहकर मैं यहाँ आई हूँ, तो आपको कह रही हूँ कि आज भी संघर्ष जारी है और हमारा निर्णय है कि हम न्याय लेके रहेंगे, केवल फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूर किया है कि यह अहिंसक सत्याग्रह है, जबकि कोई भी 500 किसान संगठनों में से कोई भी संगठन किसी भी कोर्ट में अपने इन तीन कानूनों के वापसी के मुद्दे पर नहीं पहुंचा था। और हमारा कहना था कि ये राजनीतिक निर्णय लॉकडाउन में अध्यादेश के नाम पर अजनतांत्रिक पद्धति से किसान विरोधी और देश विरोधी लिए गए हैं, तो इस पर हमें राजनीतिक जवाब चाहिए। ऐसी बात कभी भगत सिंह ने कोर्ट में कही थी 1929 में कि क्रांतिकारी बदलाव शोषण के खिलाफ, विषमता के खिलाफ जब हम चाहते हैं तो हम लोग संघर्ष से ही लेंगे, और वही बात महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान कही थी। आज किसान आंदोलन का जन उभार और जन सैलाब और जनशक्ति ऐसा एक नया जनतांत्रिक ताकत और मंच मोर्चा खड़ा कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हस्तक्षेप करना मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अहिंसक सत्याग्रह है, सत्याग्रह शब्द को एक स्थान और सम्मान मिल गया है। लेकिन जो एक लॉ स्टूडेंट से याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका में सुओ मोटो खुद होकर सुप्रीम कोर्ट ने जिन 8 किसान संगठनों को शामिल किया, पक्षकार बनाया, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त कमेटी में शामिल होना, कमेटी स्थापन करने के आदेश के पहले ही मना कर दिया। हमारे जैसे तमाम जन आंदोलनों में, नर्मदा बचाओ आंदोलन के 35 साल में हो या अन्य आंदोलनों में हो, कमेटियों का खेल देखा है, उनकी स्थापना, उनका गठन, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्य कक्षा, उनकी समयबद्धता और कमेटियों में होने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप। यहाँ तो मामला है गैर बराबरी का, उद्योगपतियों के मुट्ठी भरों के बहुत बड़े करोड़ों नहीं अब्जों के संपत्ति के सामने आज किसान लड़ रहे हैं अपना मात्र 1.5 गुना सही दाम लेने के लिए। पर पहला मुद्दा है 3 कानूनों की वापसी, जिससे कि कॉरपोरेटीकरण को शिक्षा स्वास्थ्य के बाद अब खेती क्षेत्र में घुसपैठ की छूट जो दे रही है केंद्र की सरकार, उस छूट के खिलाफ खड़े हैं हमारे देश भर के किसान। उसके लिए दुगुना चौगुना रेंट लेना, जो CAG के रिपोर्ट में आ चुकी है बात, उसका भ्रष्टाचार शुरू किया है। और अब तो वो अत्याचार करेंगे, अगर उनके गोडाउन में जमाखोरी की छूट होगी तो राशन व्यवस्था खत्म होने वाली है। मुंबई के इस मोर्चे में हमारे इसलिए शहरी गरीबों को भी शामिल होना है, जात पात पंथ प्रांत के पार जिसका कोई भी जिक्र वहाँ लंगर सेवा में आने वाली सिख समाज उनकी परंपरा में या देश की आंदोलनकारी परंपरा में नहीं हो सकता है। और इसीलिए आज यही मांग है किसान अलायंस मोर्चा की कि ये तीनों कानून तो रद्द किए ही जाए, कॉरपोरेट्स को घुसपैठ खेती के क्षेत्र में नहीं करने दिया जाए, न निजी मंडियों के द्वारा, न निजी गोडाउन्स के द्वारा, नहीं ठेका खेती अनुबंध खेती के द्वारा, क्योंकि खेती हर अनुबंधों में फंसाए ही जाते हैं। आज सरकार कह रही है कुछ प्रस्ताव इस संशोधन के द्वारा कि हम सिविल कोर्ट में जाने की पर मांगे दें। टोक लाने की बात थी, उसमें भी एक खुलापन आपने कॉर्पोरेट अडानी अंबानी मोनसांटो पेप्सी सबको दे दिया। सिर्फ अडानी अंबानी का सवाल नहीं है, पूरे कंपनियों का सवाल जो इसमें लगे हुए। तो सवाल है कि शहर, आप शहर और हम शहर में रहने वाले मध्यम वर्गीय कार्यकर्ताओं को इससे क्या लेना देना? अगर हम ये बात नहीं समझेंगे और हमारे कम्युनिटीज़ में इसको नहीं समझाएंगे, तो ये सब के ऊपर, ग्राहक के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर असर पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह हम, वैसे भी महंगाई बढ़ती जा रही है, राशन के अलावा जो धान का जो दाम होगा, जैसे बम्बई शहर और महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों को पता है कि जिस दिन आपकी बिजली का बिल प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा तो 4 गुना 7 गुना 10 गुना आपका बढ़ चुका है, उसी तरह खाने पीने की भी व्यवस्था का खर्चा इसी तरह बढ़ने वाला है। तो आ हम पूरा ये समझ ले कि चाल क्या है,
चाल क्या है कि 30 और 40% ये देश की जनसंख्या को नज़रअंदाज करके बस एक 10-15-20% तबके के लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं, जिसको कोई परवाह नहीं है, वो खरीदी किसी भी रेट में कर सकते हैं। और बहुत गहरे सवाल इस तरह हमारा किसान आंदोलन, जो दिल्ली के ठंड में बैठ के हमारी महिला, बुजुर्ग, बच्चे, मर्द सब बैठ के 50 दिन से ज़्यादा उन्होंने एक राजनीतिक चुनौती ये सरकार को दी है। बहुत सालों के बाद इस तरह का आंदोलन हमारे बीच में हमें दिखने को मिला है और ये चालू रहेगा, ये ख़त्म होने वाला आंदोलन नहीं है। और मैं तो मुबारकबाद देती हूँ मुंबई अमन कमेटी को, हमारे सब साथियों को यहाँ पे, किसान अलायंस को, जिन्होंने ये सही समझा कि ये हमारा भी इश्यू है, ये सिर्फ किसानों का इश्यू नहीं है, ये हमारा भी इश्यू है। इसलिए मैं सब यहाँ के साथियों को मुबारकबाद देती हूँ और आप सबको विनंती करती हूँ कि 16 तारीख को जो हमारा मार्च चलेगा इस्लाम जिमखाना से आज़ाद मैदान 2 बजे से, उसमें आप शरीक हुए, प्लीज़ आप शरीक रहिए, उसका कवरेज आप दीजिए। और जो संदेशा देना चाहते हैं हम लोग, संदेशा हम लोग सही में बैठ के देना चाहते हैं, उसमें आप संदेशा देने में अखबार हो, नेटवर्क हो, चैनल हो, आप किसानों की बात किसानों की ज़ुबान से लोगों के तक पहुँचाने का काम कीजिए। ये कैसे हो सकता है दोस्तों कि किसान की नीतियों के बारे में किसान और किसान संगठनों के साथ बात न करते हुए इस तरह के 3 कानून ये देश में पास हो सके? ये किस तरह की लोकतंत्र या जम्हूरियत है? आप सोचिए, सदन, सांसद और राज्यसभा में पूरे मजाकी तौर पे आप कानून पास कर रहे हैं। गए साल आपने इसी तरह आपने CA भी पास किया था 2019 का, मगर अभी हम बात कर रहे हैं ये 3 कानून के बारे में। राज्यसभा में आप याद रखिए वॉइस वोट करके ये कानून पास किए थे, जो बिल्कुल कानून के बाहर का मामला। हम उम्मीद रखते हैं अभी भी कि सुप्रीम कोर्ट ये बात पे भी गौर करेगी कि गैर संवैधानिक जो बात हुई है ये कानून को पारित करने में और कानून के अंदर जो गैर संवैधानिक बात है वो भी कहीं ना कभी, कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट उसी के ऊपर भी नज़र डाले। हमारा संविधान, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन फॉर पेजेंट्स एंड ऑल वर्किंग पीपल्स हु वर्क इन रूरल एरियाज, भारत देश ने 2018 में इस पर हस्तक्षेप किया है, मगर इसको अमल करने से भारत कबूल नहीं कर रहा है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि सभी संगठनों को लेके, सबसे पहले तो छत्रपति संभाजी ब्रिगेड, अमन कमेटी, बहुत सारी मुस्लिम संगठनाएँ, बौद्ध संगठनाएँ, जो पंजाबी संगठनाएँ हैं, सभी जाति धर्म की संगठनाएँ, ऐसे 300-400 संगठनाएँ लेके किसान अलायंस मोर्चा का निर्माण हुआ है। और किसान अलायंस मोर्चा के तरफ से ये 16 तारीख का जो महा आंदोलन है हमने निर्माण किया है, और बहुत बड़े संख्या में 3-4 लाख लोग, हम लोग जो कोरोना का जो लॉकडाउन के जो नियम है वो नियम पालते हुए हम लोग ये महा आंदोलन निर्माण किया है और आने वाले हैं। हाँ बोलिए। हाँ, हमारा एक मिनट। छत्रपति संभाजी ब्रिगेड बहुत बड़े पैमाने पे, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लाख मराठी भाइयों को हम लोग बड़े पैमाने पे ये आंदोलन में लाने वाले हैं। आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, सही बात है, मान्य है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने स्टे ना देते हुए उनको बिल कैंसिल करने का आदेश देना चाहिए था। आप लोग ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है ऐसा बोल के क्या होने वाला है? किसान भाई वहाँ से उठने के लिए, ये आंदोलन ख़त्म करने के लिए, ये बहुत बड़ा RSS मोदी अमित शाह का षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र किसान भाई और हम लोग छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के तरफ से लोगों को बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र में शामिल है, हम लोग वो आदेश नहीं मानते। हम लोग ने आह्वान किया है, जो किसान, ये मुंबई में तो किसान नहीं रहते, सही बात है, मान्य है, लेकिन हम तो अनाज खाते हैं ना, किसान जो जो अनाज खाते हैं और जो जो लोग यहाँ पे किसान, क्योंकि हमारा किसान अन्नदाता है, अन्नदाता होने की वजह से अन्नदाता को हम लोग को सहयोग देना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। उसको किसान भाइयों को आज हमने समर्थन नहीं दिया या उनके आंदोलन में हम खड़े नहीं हुए तो आने वाले समय पर अदानी अंबानी और नरेंद्र मोदी हमें भूखे मारेंगे। हाँ, साथियों,
मुंबई से बड़े पैमाने पे, क्योंकि लॉकडाउन के कुछ नियम होने के वजह से पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन मुंबई के आजू बाजू पेन है, रायगढ़ है, पनवेल है, पुना है, खोपोली है, नासिक है, इस जगह से जो मुंबई के बाजू के जो परिसर है, विरार है, नालासोपारा है, वहाँ से ज़्यादा लोग बड़े पैमाने पे यहाँ पे ये किसान आंदोलन को हम लोग समर्थन देने के लिए उनको अपील कर चुके हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब और मुगल की सल्तनत दिल्ली के तख्त को हिला दिया था, वैसे ही आने वाले समय पे आप एक किसान बिल आंदोलन, NRC, बहुत सारे जो अदानी अंबानी को आप देश बेच रहे हैं, आपका तख्त हिलाने के लिए मुंबई से पहल छत्रपति संभाजी ब्रिगेड, सचिन कांबले और किसान अलायंस मोर्चा ने की है। आप आज किसान अलायंस मोर्चा की तरफ से आप नहीं बातें मानोगे तो आने वाले समय पे आपका तख्त हम हिलाने के लिए दिल्ली में आने वाले हैं। एक ऐसा वक्त आ गया है कि हमारी जो सरकार है ये रक्षक नहीं भक्षक का काम कर रही है। इसने सिर्फ देश के नागरिकों की उम्मीदों को ही नहीं मारा है, उनके अरमानों का ही कत्ल नहीं किया है, लेकिन ये सरकार के हाथ गरीब उनके पिछड़े लेबर उनके खून से रंगे हैं और ये सरकार की भूख यहीं पे नहीं रुकी है। अब ये सरकार किसानों तक पहुंच चुकी है और किसानों की हालत जो पहले से ही बदतर थी उसे और बदतर बनाने का काम ये सरकार करने की कोशिश कर रही है, मंशा रख रही है। और जो अन्नदाता जिसके वजह से बड़े बुजुर्ग हम हमारे बच्चे जीते हैं, ऐसे अन्नदाताओं के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो एक भारत के नागरिक होने के नाते महात्मा गांधी जैसे पूज्य महान व्यक्ति का जो देश से संबंध रहा है, ऐसे भारत के निवासी रहने के नाते हम खामोश नहीं हो सकते। और इसीलिए आदरणीय मेधापाटकर मैडम, हमारे प्रिय जस्टिस कोसे पाटिल साहब, इनके नेतृत्व में मुंबई शहर में हमने बड़ा आंदोलन खड़ा करने का फैसला लिया है। नतीजन 16 तारीख को जो महामोर्चा होने वाला है उसमें असंख्य व्यक्ति, मुंबई के नागरिक उसमें शामिल होने वाले हैं और हम यहां से दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान ही नहीं, लेकिन भारत का हर एक किसान इस आंदोलन में शामिल है। हमने ये भी देखा है दक्षिण के जो किसान थे उन्होंने काफी दिन नई दिल्ली में आंदोलन किया, वो आंदोलन यहां तक के पहुंचा था कि उन्होंने खुद का जो मूत्र होती है उसका भी उसे भी पिया था, राशन किया था, कपड़े उतार दिए थे, लेकिन ये सरकार बैरी सरकार वो उन्होंने तभी नहीं सुना था। और वो उस वक्त हम उन किसानों की हम सहायता नहीं कर सके, खड़े नहीं हो सके, इसलिए आज फिर से हमारे किसानों के ऊपर ये दिन आ गए। और लेकिन आज हमने ठान लिया है कि अब ये सरकार का जुल्म हम और नहीं सहेंगे और ये सरकार को ये कानून वापस ही लेना पड़ेगा। और उसी के साथ आदरणीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसका मैं एक वकील होने के नाते बहिष्कार करता हूं, मैं उससे अपनी बिल्कुल भी सहमति अपनी दर्शाता नहीं हूं। बाकी सब तो मेरे वरिष्ठ लोगों ने सारी बातें कर दी है, यही बोल के मैं आपको विनती करना चाहूंगा कि हमारे आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए आपका योगदान दें। धन्यवाद। सिर्फ एक मिनट की अपनी बात मैं करता हूँ। दोस्तों, अभी जैसा कि जस्टिस साहब ने फरमाया कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, हर उस आदमी की है कि जो अनाज खाता है, जो दो टाइम रोटी खाता है, इसलिए कि महंगाई बढ़ेगी तो हम सबका नुकसान होगा। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग का भी होगा, इसलिए कि आप लोग भी मिडिल क्लास हैं, आपके घर वाले हैं, तो आप सब लोगों को भी इस लड़ाई में साथ देना चाहिए एक वॉलंटियर के तौर पर। ये सिर्फ हमारी तनहा की बात नहीं, सिर्फ तनहा किसानों की बात नहीं। मैं एक दूसरी बात भी कहता हूँ कि एक मिनट के लिए मान लीजिए कि हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ किसानों का नुकसान होता,
तब भी हमारी जिम्मेदारी और हमारा फ़र्ज था एक इंसान की हैसियत से कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, जिन लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है उनके उनका साथ देते हैं, जालिमों को रोकते हैं। इसलिए हमारी दोहरी जिम्मेदारी, एक तो हमारा नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ेगी, इसलिए भी हमें इस लड़ाई में शामिल होना है, और इंसाफ के लिए, हक़ के लिए भी हमको इस लड़ाई में शामिल होना है। हमको बहुत मायूसी हुई है, हम साफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पूरा एहतराम, जो फैसला आया है उसमें कौन सी नई बात है। गवर्नमेंट तो पहले से कह रही थी कमेटी बना दो, अगर किसान पहले कमेटी के लिए मान जाते तो काय के लिए 50 दिन उनको सर्दी में बैठना पड़ता, 70-80 किसान बेचारे अपनी जान से चले गए, क्यों उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, तो पहले भी मान सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तीनों कानून को स्टे किया है, इससे भी हमको मायूसी है। हम तो समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट सीधे इनको असंवैधानिक करार देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहे जाएंगे, इससे कि जिस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती और धांधली के साथ ये पार्लियामेंट के दोनों हिस्सों में ये कानून पास हुए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलाफ, इनको तो गैर कानूनी करार देना चाहिए था। लेकिन हमको अब भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर इस पर गौर करेगा और ये दोनों भी तीनों कानून को मनसूख करने का फैसला देगा, और हुकूमत भी अकल के नाखून लेगी, ये तीनों कानून वापस लेने का फैसला करेगी, वरना हम किसानों के साथ हैं और इस लड़ाई में आखिर तक लड़ेंगे, जहाँ तक बन पड़ेगा कोशिश करेंगे। 16 तारीख को ये जो मोर्चा निकाला जा रहा है इस्लाम जमखाना से लेकर के आज़ाद मैदान तक, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होने की अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से, आप हमारी बात को पहुँचाएँ कि इंसान बिल्कुल सही है कि किसानों के आंदोलन का साथ देना सिर्फ किसानों का साथ देना नहीं है, हमारा अपना साथ देना है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, हर भारतीय का है, मेरा भी है और आपका भी है। इसलिए इस आंदोलन को हमें कामयाब बनाना है। आपने नारा सुना होगा सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ का साथ सबका विनाश ऐसा होने जा रहा है। ऐसा होने जा रहा है कि दूध के डब्बे की रक्षा बिल्ली को दी जा रही है, दूध का डब्बा रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिल्ली इसकी रक्षा करे। पूरे किसानों ने चारों बातों को मुस्तरद कर दिया, खत्म कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ जरूरत इस बात की है कि इस शहर मुंबई से जो वर्ल्ड का कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है, जहां से उठी हुई आवाज और जहां से निकला हुआ मैसेज सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र या देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाता है। और हम यहाँ से बता देना चाहते हैं कि हाँ, इस महा आंदोलन में हम सब किसानों के साथ हैं, और हम ये बताते हैं कि